फ्रेंड्स, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। दोस्तों, मैन ऑफ बुकर पुरस्कार 2017 की घोषणा कर दी गई है और ये पुरस्कार जीता है जॉर्ज सॉन्डर्स ने लिंकन इन द बाजो उपन्यास के लिए। 17 अक्टूबर 2017 को जॉन सैंडर्स ने उपन्यास लिंकन इन द बाजो को वर्ष 2017 का मैन ऑफ बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। इस उपन्यास के लेखक जॉर्ज सैंडर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लघु कथाकार हैं। इनका जन्म टेक्सास अमेरिका में हुआ। मैन ऑफ बुकर पुरस्कार के 49 वर्षीय इतिहास में ये द्वितीय अमेरिकी साहित्यकार हैं जिन्हें इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत उपन्यास जो है वो अब्राहम लिंकन के 11 वर्षीय बेटे विली की मृत्यु की कहानी है। जब उसके शव को एक रात के लिए वर्ष 1862 में वॉशिंगटन के कब्रिस्तान में आराम के लिए रखा गया था। उपन्यास कहानी प्रयास युक्त शैली में बुद्धिमान और गंभीरता पूर्वक वर्णन के रूप में आगे बढ़ती है और आत्मीयता के अर्थ और अनुभव की व्याख्या करती है। ब्लूसबरी पब्लिशिंग ने फरवरी 2017 में इस उपन्यास का प्रकाशन किया। लगातार तीसरा वर्ष है जब किसी स्वतंत्र प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कृति को मैन ऑफ बुकर पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स, 1860 की ये कहानी है जो कि अब्राहम लिंकन के मृतक बेटे से रिलेटेड थी, जिसके लिए लिंकन इन द बार्डो कहानी के लिए जॉर्ज सैंडर्स को मैन ऑफ बुकर पुरस्कार दिया गया। आगामी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।